हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद सुषमा में। आज हम बनाएंगे दाल तड़का। दाल तड़का बनाने के लिए हम लेंगे एक कप अरहर की दाल, जिसे तूर दाल भी कहते हैं, और आधी कप मसूर दाल। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप मूंग दाल भी ले सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। अब दाल को साफ पानी से 2-3 बार हम धो के निकाल लेंगे। दाल को हमने साफ पानी से धो लिया है। अब चलते हैं दाल को पकाने। दाल को उबालने के लिए मैंने यहाँ 1.5 गैस पानी लिया है। 600 ml का जग है मेरा, जिससे हम 1.5 कप पानी लेंगे। साथ ही डाल देंगे हम दाल उबालने के लिए। अब डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और दाल को जल्दी से गलने के लिए 1 चम्मच सरसों का तेल, और उबलते ही समय डाल देंगे थोड़ी सी गरम मसाला। कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं और 2 सीटी आने तक इसे गैस पर पका लेंगे। गैस पर रख देते हैं और गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। 2 सीटी आने तक इसे उबाल लेंगे। कुकर से सभी गैस निकल चुकी है। अब हम चलते हैं तड़का लगाने की तैयारी करने। कढ़ाई रख लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। दाल को खोल के चेक कर लेते हैं। दाल काफी अच्छे से गल चुकी है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। डालेंगे इसमें तेल। तेल गर्म होते ही डालेंगे जीरा। जीरा को तड़कने देंगे। जीरा अच्छे से भून चुका है। अब डालेंगे हम लहसुन। 2 से 3 लहसुन की कलियां थी, एक कम डाल के हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। साथ में डाल देंगे कटे हुए अदरक और हरी मिर्च। दोनों को हल्का सा भून लेंगे। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन कर लेंगे। लहसुन डालने से दाल में बहुत अच्छा स्वाद आता है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर है, इसे भी डाल देंगे। अब इसे हम चला लेंगे और टमाटर को बनने तक पका लेंगे। डाल देंगे 1 चम्मच नमक, जिससे कि टमाटर जल्दी से गल जाए। दाल में हमने नमक पहले से डाल दिया है, इसे अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, इसे थोड़ा सा और कर लेंगे। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। और साथ ही धनिया पत्ती डाल देंगे। दाल में उबाल आने देते हैं। एक उबाल आने के बाद दाल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, घर का बना हुआ, इससे दाल का स्वाद दुगना हो जाएगा। दाल को मिला लेंगे, जिससे कि घी पूरे दाल में मिल जाए। दाल तड़का हमारी बनकर तैयार है। इसे हम जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। सादा चावल के साथ भी बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है खाने में। दाल तड़का हमारी बनकर तैयार है, इसे सर्व कर लेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।